दिव्यांग प्रेमकुमार मिरजवाला या तरुणाने. आमचे व्हीएम न्यूज मराठीचे प्रतिनिधी महेश सूर्यवंशी यांनी घेतलेला हा वृत्तांत. भारत सरकार परिवहन विभागामार्फत दिव्यांग हित, पर्यावरण हित, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत याची जनजागृती करण्यासाठी इंदोर वरून प्रेमकुमार मिरजवाला या 24 वर्षीय दिव्यांग तरुणाची निवड केली होती. 14 नोव्हेंबर या दिवशी या एका पायाने अधू असणारा प्रेमकुमार हा 15,000 किलोमीटर प्रवास करून ही जनजागृती करण्याचे उद्दिष्ट त्याने मनात ठरले आहे. या जनजागृतीसाठी त्याच्या परिवाराचा तसेच संपूर्ण भारतवासियांचा आशीर्वाद माझ्या बरोबर आहे असे देखील त्याने सांगितले. तो 1600 किलोमीटर प्रवास पूर्ण करून तो उंब्रज तालुका कराड या गावामध्ये सायंकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास पोहोचला. त्यावेळी उंब्रज मधील नागरिकांनी तसेच दिव्यांग आघाडीचे उंब्रजचे सर्व पदाधिकारी, नाभिक संघटनेचे सर्व पदाधिकारी तसेच डॉक्टर सुनील कोडगुले, प्रशांत देशमुख, सचिन निकम, उंब्रज पत्रकार यांनी देखील त्यास पुढील प्रवासासाठी मदत आणि शुभेच्छा दिल्या. नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और अभी मैं सतारा से ये उम्रज गांव में आया हूँ. मेरी जो यात्रा है दिव्यांग हित, स्वच्छ भारत हित और पर्यावरण हित को लेकर 29 राज्यों की यात्रा कर रहा हूँ और भारत सरकार परिवहन मंत्रालय के रोड सेफ्टी मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने मुझे चुना है. मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी दिव्यांग साथी हैं अक्षम नहीं है, उन्हें खुद के दम पर सक्षम बनाना चाहता हूँ. दूसरी बात, स्वच्छता की बात तो सभी करते हैं लेकिन एक घर से एक बाल्टी कचरा निकलता है. आप सोचें, हम पूरे देश में 125 करोड़ हैं तो 125 करोड़ बाल्टी पूरे देश से कचरा निकलता है. क्या इस कचरे का रिसाइकलिंग होता है? अगर रिसाइकल हमें करना है तो ज़्यादा प्लांट बढ़ाना होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कचरा रिसाइकल हो सके और स्वच्छता बनी रहे. तीसरी बात पर्यावरण की, हम खुद ही अपनी ऑक्सीजन को ख़त्म करने में लगे हुए हैं. यह किस तरह से कि दिन पर दिन शहर डेवलप हो रहे हैं और पेड़ पौधे ख़त्म होते जा रहे हैं. पेड़ पौधों के अंदर सीमेंट भरती गई है. अगर हम किसी के ऊपर रुमाल या कपड़ा रख दें वो खुद ही इंसान सांस नहीं ले पाएगा तो पेड़ पौधे कहाँ से लेंगे. तो कहना चाहता हूँ कि पेड़ पौधों में जो सीमेंट भरी गई है वो अगर निकालें तो पेड़ पौधों को सांस लेने की जगह मिल पाएगी और प्रकृति हरी भरी रहेगी. अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाएं, पर्यावरण बचाएं, मानव प्रकृति का कल्याण करें, यही मेरी आशा है. चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ रोड सेफ्टी की. कई लोग रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं, रेड लाइट पर रुकते नहीं हैं. ये ऐसा क्यों? मतलब ये हमारी भलाई के लिए तो है. कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई आपका बुरा कर रहा है, कि आपको मार रहा है. हेलमेट सरकार ने हमारे लिए बनाया है, वो हमारा अच्छा सोच रही है, गलत नहीं सोच रही. तो प्लीज़, और हमेशा जब भी रोड पर चले तो इंडिकेटर दें. अगर दाएं मुड़ना है तो इंडिकेटर दें, बाएं मुड़ना है तो इंडिकेटर दें और रोड सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें. यही मेरी मेरा मैसेज था आप सभी को और सभी उम्रज वासियों का मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिला. अब यह मैसेज लेकर मैं अगले दिन कोल्हापुर के लिए रवाना हो जाऊंगा. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम.